ओके, वेरी गुड इवनिंग स्मार्टीज, वेलकम बैक इन योर यूजुअल सेशन. और आई ट्राई टू रिमेन पंक्चुअल. ठीक है, तो कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि रेगुलर दीजिए, मैं रेगुलर दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत अभी गैप रहेगा. लेट द नोटिफिकेशन कम आउट, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं. फिर शुरुआत करेंगे रोज की तरह 30 क्वेश्चन से. आज का लेवल आसान रहेगा, लेकिन कुछ बातें जरूर, जैसे कई लोग करते हैं सब नया जरूर सीखते हैं, तो आई होप कि आज भी कुछ जरूर सीखेंगे. नहीं सीखेंगे तो मैं एडिशनल पॉइंट में कुछ बता दूंगा, वो नया ही रहेगा जब मैं बताऊंगा. तो मुझे लगता है कि सब लोग ठीक ठाक हैं. लेट मी सी एंड लेट मी विश गुड इवनिंग टू ऑल दोज हु आर लाइव. ओके, गुड इवनिंग प्रदीप, गुड इवनिंग. अच्छा, आज प्रदीप की अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा थरूर साहब मुझे याद आ गए. क्यों प्रदीप, ठीक है. तो राधे कृष्ण जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी कृष्ण. और थैंक यू दीक्षित जी, प्रभा शंकर जी, थैंक यू मृगेंद्र सिंह, थैंक यू ऑल वन. अब प्रदीप, दरअसल ना प्रॉब्लम ये है कि आपने सिर्फ मुझे लिटरेचर पढ़ाते हुए देखा ना, लैंग्वेज आपने देखा नहीं. लैंग्वेज देखने के लिए एक प्रक्रिया फॉलो करनी, तो आपका वो भ्रम जो थोड़ा सा बना है वो टूट जाएगा. तो खैर, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत. चलते हैं, शुरू करते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं. पहला सवाल है हमारा, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द ईजिएस्ट वन. व्हाई आई राइट नॉट द ईजिएस्ट वन, सुपर फ्लॉप क्वेश्चन आपको कर देगा, लेकिन फिलहाल व्हाई आई राइट इज एन ऑटोबायोग्राफी. बाय, एक ऑटोबायोग्राफी क्या, मिनी ऑटोबायोग्राफी है. डब्ल्यू वेट्स का, जॉन रस्किन का, रस्किन बॉन्ड का, जॉर्ज ऑरवेल का. आपने पहले, मुझे पता नहीं था कि मैं, ये पहला सवाल है, तो नया देने की बात कही तो नया तो पहले ही मिल गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके पहले मैंने इसको सवाल को कभी डाला था. खैर, ये नेट में भी काम आएगा, लोक सेवा आयोग से कोई सवाल आएगा तो वहां भी आएगा, एलटी ग्रेड में भी काम आएगा, और बाहर अगर कोई आप दे रहे एग्जाम तो वहां भी काम आएगा. सेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर कहीं पूछा जाता है वहां भी, ओवरऑल आपको जानना चाहिए. ये एक मिनी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपने करियर को दिखाया है, हाउ आई कैन बी अ राइटर, मतलब राइटर कैसे बनना है, और उसमें उसने जर्नी दिखाई है. तो सब लोगों ने बताया, किसी ने बताया ये और किसी ने बताया भी. तो खैर, आपको बात बता दूं कि ये जॉर्ज ऑरवेल साहब का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा एनिमल फॉर्म के लिए आपने सुना होगा. ये एल्टी ग्रेड में है, एनिमल फॉर्म है एल्टी ग्रेड में. तो इनकी एक रचना थी कि ये लेखक बनने की क्या प्रक्रिया रही, क्या संघर्ष रहे, उसमें इन्होंने लिखा. 1946 में आया था, हालांकि एनिमल फॉर्म 1945 में आता है. तो अगर मैं ईयर लिख देता तो शायद आप गेस कर पाते, इसलिए ईयर जानबूझ के नहीं लिखा. हालांकि आप फिर रस्किन बॉन्ड और जॉन रस्किन में कन्फ्यूज होते, तो जॉन रस्किन में तो ना ही कन्फ्यूज होते क्योंकि वो विक्टोरियन है. तो एनिमल फॉर्म, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, वो सेवन कमांडमेंट्स जो है, वो जो जार की निकोलस सेकेंड था उसकी टोटेलिटेरियनिज्म के खिलाफ, जो स्टालिन और ट्रॉट्स्की ने मिल करके जो किया था. हालांकि स्टालिन की नीतियों का बड़ा आलोचना हुई है उसमें, रोमान अकले है. खैर, हम बाद में जानेंगे. आपका जॉर्ज ऑरवेल इज द राइट आंसर. इनका असली नाम आर्थर एरिक ब्लेयर है, ये भी आप जान लीजिए. खैर, जब मैं जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ाता हूं तो मैं ये जरूर बताता हूं कि इनके और रवीश कुमार के अंदर कुछ समानता है. ये दोनों ही मोतिहारी बिहार में पैदा हुए थे, ये अपने जमाने के बहुत बड़े पत्रकार थे, और स्टालिन की नीतियों की ऐसी की तैसी कर दी. रवीश कुमार को आप जानते हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन द कंट्री, इवन अक्रॉस द ग्लोब. तो दोनों में काफी समानता है. हालांकि रवीश कुमार नॉवेल्स नहीं लिख पाए हैं, एक दो नॉवेल्स लिखी है, इश्क में सहर होना शायद उनका नॉवेल है जहां तक मैं जानता हूं, और फिलहाल एक प्रखर पत्रकार है, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. खैर, ऐसे लोगों का होना देश के लिए एक एसेट ही है, जरूरी भी है. चलिए आगे की बात करते हैं. जॉर्ज ऑरवेल को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और मुझे लग रहा है कि आप सब लोग समझ लिए और पढ़ भी रहे हैं. ठीक है, आगे की बात करें हम तो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हु एक्सप्रेसेस द कॉमन जजमेंट ऑफ हुम व्हेन ही सेज आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन or event in my life ever made so great an impression upon me is the plays of Shakespeare. हालांकि ये बात किसने कही है? Who expresses the common judgment of whom?
हालांकि ये आप होम तो है नहीं, यहाँ शेक्सपियर के बारे में ही है, तो ये आप ही थोड़ा सा सवाल की प्रवृत्ति प्रकृति बदलनी पड़ेगी, प्रवृत्ति नहीं, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रवृत्ति एंड प्रकृति, ठीक है। खैर ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। यू हैव दांते, एलिगेरी दांते, बियट्रिस की मोहब्बत की एक ऐसी कहानी। आप डिवाइन कॉमेडी पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, बट दांते एलिगेरी की कहानी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि क्योंकि वैलेंटाइन का मौसम चल रहा है इसलिए बता रहे हैं, रो देंगे आप। अपनी प्रेमिका से पहली बार मिलते हैं बियट्रिस से जब ये 9 साल के थे, उसके बाद 9 साल के गैप के बाद मिलते हैं जब बियट्रिस की शादी हो गई होती है। बियट्रिस के लिए इन्होंने सोनेट्स लिखे, लव सोनेट्स, आपको पता है। गेटे, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, और आपका आंसर यहाँ पर गेटे है, तो ज़्यादातर लोगों ने आंसर भी गेटे दिया है, ओनली गेटे, कोई दिक्कत नहीं है। गेटे फॉर शेक्सपियर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि गेटे फॉर शेक्सपियर इज द राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन की प्रकृति बनाने में कुछ दिक्कत थी, और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करें हम, वी हैव द दिस वन, गार इज रिप्रेजेंटेड एज अ फिगर ऑफ ओल्ड पोएटिक अथॉरिटी इन शेक्सपियर्स प्ले। गावर जो है, जो चासर के समकालीन थे, और चासर इनको बड़ा मानते थे और इनकी एथिक्स के लिए ज़्यादा मानते, इसलिए इनको मोरल गावर के रूप में एड्रेस करते थे, और ये एज अ करेक्टर अपीयर होते हैं शेक्सपियर के एक प्ले में, पेरिक्लीज, वीनस एंड एडोनिस। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्ले, सिम्बेलिन आपको पता है अपने आप में एक क्लासिक रोमांस है। टाइटस एंड्रोनिकस की बात करें तो फर्स्ट ट्रेजेडी बाई शेक्सपियर की अगर बात करें तो पहले ट्रेजेडी हो जाएगी, फर्स्ट ट्रेजेडी बाई शेक्सपियर, ये भी आपको एक रफ आइडिया। हालांकि मैं आई मस्ट हैव टोल्ड दिस प्लेथोरा ऑफ टाइम्स, बट देन टू यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। वीनस एंड एडोनिस, क्या बात है, रेप ऑफ द लुक्रीस एंड वीनस एंड एडोनिस, इसको फर्स्ट सक्सेसफुल एडवेंचर आप कह सकते हैं, इसको उनका फर्स्ट सक्सेसफुल वेंचर था ये, और इट इज रिटन इन सिक्स्थ अरीमा, तो 1194 लाइनें हैं, मिनी एपिक है जिसको आप इपीलियन कहते हैं, वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन यहाँ पर पेरिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायर, इट वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो, पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, जो नए बच्चे हैं वो जरूर याद रखें, इसको फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो, जो फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का आया था उसमें ये शामिल नहीं किया गया था। फर्स्ट फोलियो आया था 1603 में, क्यों नहीं शामिल किया गया था, डाउटशिप, मतलब डाउटफुल ऑथरशिप को लेकर के ये नहीं शामिल किया गया था, बाद में शामिल किया जाता है। और सिम्बेलिन के बारे में आप जानते हैं, टाइटस एंड्रोनिकस के बारे में जानते हैं, वीनस एंड एडोनिस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, तो यहां पर आपका ये ऑप्शन है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सबके आंसर सही है, मुझे यहाँ पे कोई आपत्ति भी नहीं है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस अपने आप में एक बढ़िया प्ले है, और कभी कभी इसका जानरा पूछे तो इसको आप ट्रेजिक कॉमेडी की श्रेणी में रखिए। कभी कभी ऐसे भी सवाल बन सकता है कि ये एक्चुअली इसका जानरा क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी, और में साइलॉग को कैसे दिखाया गया है। साइलॉग को यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, हाँ प्रॉपर नाउन को प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहिए ना। तो अ विक्टिम ऑफ रेसिज्म है, अ जेनरस ह्यूमन बींग है, सीकिंग रिवेंज फॉर ह्यूमिलिएशन है, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिनांस कैपिटलिस्ट क्लास है। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ऑल इज वेल, ठीक है। और यहां पर ऑप्शन आ रहा है कि ये दरअसल क्या है कि देखो वो एक विक्टिम ऑफ रेसिज्म है, नो डाउट, हाँ, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड वाली लाइन तो मशहूर है ही आपकी, तो वो जनरस ह्यूमन बींग छोड़ करके बाकी सब है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या से बच नहीं पाया है। हालांकि इसमें एंटी सेमिटिज्म दिखाया गया है, और शेक्सपियर कहीं ना कहीं इस प्ले के थ्रू एक मिशनरी का काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनिटी है इज मोर इम्पोर्टेंट देन जुडाइज्म एंड अदर रिलीजन्स। तो उन्होंने बताया है कि जो यहूदियों का कल्चर है वो कम अच्छा है और क्रिश्चियन का कल्चर ज़्यादा अच्छा है, हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या जिनकी है वो क्रिश्चियन की है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो हैं ईसाई धर्म के हैं, 31% है, दूसरे नंबर पे इस्लाम है, तीसरे नंबर पे अदर है, चौथे नंबर और
हिंदुइज्म का भी 15% कुछ है, एक दिन में देख रहा था आंकड़ा। खैर, वो हमारा विषय नहीं है और हमारा आंसर ये है, तो मुझे लग रहा है कि ये आप सब सही कर पा रहे हैं। रोशनी, प्रभाशंकर, अभिजीत, रेखा, आरबी, बादल, आरती और रमाकांत, ताहिरा, ये रणंजय, वो क्या है, शालू, सबने आंसर दे दिया है, तो मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अगर आपको लग रही है तो माय अपोलोजीज फॉर दैट। आगे की बात करें हम, तो वी हैव व्हाट इज टचस्टोन मेथड। अच्छा नहीं, व्हाट इज टचस्टोन इन अर्नोल्ड्स व्यू। ये टचस्टोन मेथड जो है, टचस्टोन का मतलब होता है कसौटी, जिसपे सोने को घिस करके उसकी क्वालिटी को जज किया जाता है। हालांकि पुराना तरीका था, अब तो कैरेटोमीटर वगैरह आ गया है, सोने की क्वालिटी उससे भी जज कर ली जाती है। तो ये टचस्टोन मेथड किसने दिया है? नहीं, ये टचस्टोन है क्या उनकी नज़र में? एस्थेटिक प्रिंसिपल है, लेट डाउन इन क्लासिकल लिटरेचर। अब आपको बताना है कि व्हाट इज दिस, तो यू विल गेट दैट। और यहाँ पर क्या है, द रीडर्स ओरिजिनल इंप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट, रीडर का, पाठक का अपना व्यक्तिगत अनुभव है टेक्स्ट का, आपको ये बताना है। इंस्टेंसेज ऑफ ग्रेट राइटिंग प्रोवाइडिंग अ यार्ड स्टिक स्टैंडर्ड सेट डाउन बाय फ्रेंच एकेडमी। टचस्टोन मेथड ये था जिसके माध्यम से ये जज किया जा सके कि कोई पोइट्री की काबिलियत क्या है। दरअसल उसमें करना था होमर, प्लेटो और बड़े शेक्सपियर, मिल्टन से कुछ, उनकी रचनाओं से कुछ लाइनें लेकर के किसी कविता का कंपैरिजन किया जाए और उससे उस क्वालिटी को नापा जाए। तो वो कंपैरेटिव मेथड था और एक यार्डस्टिक का काम था। हालांकि बाद में इसकी आलोचना भी हुई, क्योंकि आप किसी किताब को ऐसे कैसे जज कर सकते हो कि पूरी 1400 पेज की किताब है, मान लीजिए क्या कहते हैं, आप असुटेबल बॉय विक्रम सेठ का पढ़ रहे हैं, 1400 पेजेस की बुक है, उसका एक पेज पढ़ करके आप तुलना करोगे तो हाउ कैन यू कंपेयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब बहुत अच्छी है, मेरे नज़र में बोरिंग है। अब आपने पढ़ी है, आपको मुबारक हो। और फिलहाल तो यहाँ पर क्या है, इंस्टेंस ऑफ ग्रेट राइटिंग प्रोवाइडिंग अ यार्डस्टिक पैरामीटर। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रबल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। मैं जिंदगी को उसके आखिरी मुकाम तक जीऊंगा और पी जाना चाहूंगा, आखिरी तलछट तक। क्या बात है। और फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो मेटाफर है, ठीक है, कितनी बड़ी। अगर यही स्पिरिट आपके अंदर आ गई, जो मैं लाइन कहता हूँ ना, जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं तो कोई पढ़ रहा होता है, और जो पढ़ रहा होता है आपसे बेहतर कर रहा होता है, यही लाइन तो आपको समझ नहीं। यही लाइन तो यूलिसीज बोल रहा है कि अगर आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रबल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। मैं जिंदगी को जब, और यू हैव गॉट ओनली वन लाइफ, और इसी एक जीवन में आपको सब कुछ जीना है। ऑन एवरेज अगर आप क्या कहते हैं 60-70 साल जीते हैं, तो लगभग 20% तो आप सोने में बिता देंगे। तो आपको सब कुछ इसी में करना है, जॉब करना है। एक उम्र पे जॉब पा जाओगे तो अच्छी है, बाकी तो बाकी आखिरी स्टेज पे भी बहुत सारे लोग जॉब पाते हैं। आपको पता है, अपने पास भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, दे गॉट इंस्पायर्ड एंड दे गॉट जॉब, नो डाउट। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेहनत करिए। ये लाइन, यू मस्ट नॉट रेस्ट फ्रॉम योर स्टडीज, कीप योर स्टडीज कंटिन्यूड टिल यू गेट व्हाट एक्चुअली वांट। तो आपको ये जरूर करना है। और मतलब वो लाइनें बार बार कहूँगा तो मेडियोक्रिटी आ जाएगी। तो यूलिसीज की लाइनें हैं और ये सब आपको पता है, तो मज़ा आ रहा है, आपको पता चल गया। आगे की बात करें तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द पर्ल इज अ मेडिवल, क्या है, सटायर है, ड्रीम विजन है, रोमांस है, मोरालिटी प्ले है, द गवेन प्लेयर्स हो, ऐसे पर्ल आप ये कह सकते हैं कि अननोन पोएट ने लिखी है। तो है क्या बेसिकली, व्हाट इज दिस, और सटायर, ड्रीम विजन, रोमांस और मोरालिटी प्ले। आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर, जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका नाम जरूर लूंगा। तो ये जो है, नोबडी हैज गिवन येट, देखो एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट कह रहा है ये है, सटायर है, पर्ल सटायर है, तो एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट तो एकदम वर्स्ट परफॉर्मेंस दे दिया, ठीक है। रश्मि कह रही है कि सी है, रोमांस है, और कुसुम कह रही है सटायर है, मतलब राघव कह रहे हैं ड्रीम विजन है। मुझे लग रहा है राघव सही हैं, मिथिलेश सही हैं, देवेश भी सही हैं और रेखा भी सही हैं। कोई बात नहीं प्रभाकर जी, जॉब तो मिल ही जाएगी आपको, ये मेरा वादा है। और ये बात कराऊंगा जो आप सीख रहे हैं वो जीवन भर आपको काम आएगा। जॉब तो आप कर ही रहे हैं फिलहाल, परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी, और ये वादा है कि मिल जरूर जाएगी। हैव फेथ,
इन गॉड एंड इन योर सेल्फ एज वेल. बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ऑल द थिंग्स विल कम टू यू. नेवर ट्राई टू रन आफ्टर एनी वन. जिंदगी में दोज हु नो मी पर्सनली एंड देर आर ओनली अ सेलेक्ट फ्यू हु नो मी पर्सनली. बहुत कम चुनिंदा लोग हैं जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं. नॉट इवन ए सिंगल थिंग. हाँ, मैं मेरे बारे में आप वही जानते होंगे जो मैं बताता हूँगा. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो उनको पता है कि मैंने अपने प्रिंसिपल से कभी इधर उधर नहीं किया है. नहीं पसंद है, नहीं करेंगे. वो अगर वो सब आ गया होता, जी हुजूरी वाला ये सब आ गया होता, तो मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा होता. हाँ, वो सब नहीं आया था. तो आप किसी के लिए मत बदलो. हाँ, सिद्धांतों से समझौता जब जरूरी हो कि किसी की जान जानी है, अपनी जान जानी है, भाई मैं मुझे महान थोड़ी ना होना है. आई डोंट वॉन्ट टू बी सॉक्रेटिस ना. सॉक्रेटिस ने कहा, अपने चेलों को कह दिया कि उसी की इज्जत करना जो ज्ञानी हो, और उसका पहले ज्ञान का टेस्ट कर लेना. और उनके चेले ज्ञान टेस्ट करते थे, उनकी नजर में कोई नहीं आता था. तो ये अफवाह फैल गई कि सुकरात नोइकू को भड़का रहा है. उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, कहानी बताई थी. तो मेल जरूर जाएगी, बस लगे रहना. और जब मिले हैं तभी, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये रीच इसकी ज़्यादा पहुँचाइए. मुझे तब अच्छा लगेगा जरूर जब इसकी रीच पहुँचेगी ज़्यादातर लोगों के पास. मेरे पास भी कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कंटेंट दुनिया के सबसे अच्छे कंटेंट हैं या अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने लेवल से ठीक देता हूँ. उस हिसाब से मेरे पास ना तो फॉलोअर्स हैं, ना तो सपोर्टर हैं. सपोर्टर तो केवल कुछ गिने चुने लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो हैं वो हैं, दे आर इन माई हार्ट. तो उनको ढेर सारा शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. और जो नहीं है, और ये जो वो उन टीचर को भी शुक्रिया जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो देख रहे हैं इस वक्त भी, उनको भी शुक्रिया जो मेरी किताबों को टाइप करके अपने बच्चों को नोट्स भेज देते हैं, उनको भी शुक्रिया. तो उन तमाम लोगों को शुक्रिया. हाँ, छिड़ तो हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अच्छी बात है. लेकिन मैं उनसे तो नहीं, लेकिन आपसे जरूर उम्मीद करूँगा गुरुदक्षिणा के रूप में इसको रीच ज़्यादा पहुँचाओ. कहीं ना कहीं मेरा मोरल बूस्टअप होता है अगर इसकी रीच बढ़ती है. ठीक है, ठीक है प्रभा शंकर जी. आगे की बात करें तो ये ड्रीम विजन इज द राइट आंसर. बाकी आप कुछ भी करिए. द मिथ ऑफ सिसिफस. द मिथ ऑफ सिसिफस जो है 1942 का एक एसे है. किसने लिखा है आपको पता है? इस मिथ ऑफ सिसिफस की कहानी मैंने थिएटर ऑफ ऑफसाइड जब मैं आपको समझा रहा था तब मैंने जरूर बताया रहा होगा. नहीं बताया तो मैंने एक अपराध किया, उस अपराध के लिए क्षमा, लेकिन ऐसा पाप मैंने किया नहीं. थिएटर ऑफ द ऑफसाइड जब मैंने पढ़ाया था तब बेटिंग फॉर गॉडो के एग्जाम्पल के साथ मैंने मिथ ऑफ सिसिफस का एग्जाम्पल भी बताया रहा होगा. मिथ ऑफ सिसिफस एक ऐसे था. किसने लिखा है? आप जब पहली एंट्री देखते हैं एमएच अब्रम्स में तो वहां पर मिलती है. हाँ, तो मार्टिन एस्लिन, इन्होंने थिएटर ऑफ ऑफसाइड शब्द को क्वाइन किया. क्वाइन द टॉम, इन्होंने क्वाइंड द टॉम, इन्होंने शब्द को क्वाइन किया था. द थिएटर ऑफ ऑफसाइड, द थिएटर ऑफ द ऑफसाइड इन्होंने क्वाइन किया था. और ये फ्रेंच काफ्का का, तो यहाँ पर हालांकि उसी आइडियोलॉजी से थे, ये दरअसल एग्जिस्टेंशलिस्ट विचारधारा के थे. अल्बर्ट कैमो, आप अल्बेयर कैमो कुछ लोग पढ़ते हैं, अल्बर्ट कैमो, कैमस नहीं है, बाकी आप कुछ कैमो पढ़िए. हेरोल्ड पिंटर, द बर्थडे पार्टी, आप जानते हैं. आपका आंसर यही है, बाकी आप कुछ भी करिए, आप स्वतंत्र हैं. क्योंकि ठीक है, और मूविंग टू द नेक्स्ट वन. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम. दिस इज द फेमस लाइन फ्रॉम हार्ड टाइम्स. की बात करें तो ये हार्ड टाइम्स जो है उनका ये 1854 में आता है. अ टेल ऑफ टू सिटीज की बात करें, फ्रेंच रिवोल्यूशन पे आधारित है, तो आप ये कह सकते हैं. ओलिवर ट्विस्ट भी अपने आप में एक जबरदस्त नॉवेल है, और ये 39 में आता है. ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये क्रोनोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ये 1861 पे आता है, और इस पे एक हिंदी की बॉलीवुड मूवी 2016 में आई थी, फितूर. फितूर इसी पे बेस्ड है. फितूर मूवी जो है इसी पे बेस्ड है. माय डियर, आप फितूर देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जरूर पढ़िए इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज एज वेल. अगर आपको किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे किसी न किसी ने पूरा ऑडियो डाला होगा. विदेश के हैं आप, उनको सबटाइटल के साथ आता, आप उसको भी सुन सकते हैं. शुरुआती दौर में कुछ नॉवेल्स मैंने ऐसे ही पढ़े थे, बाद में मुझे किताब की ज़रूरत पड़ी, तो क्योंकि मैं किताब का शौकीन हूँ तो किताब ना भी पढ़ूँ तो इसलिए भी रखता हूँ कि मुझे रेफरेंस लेना पड़ जाता है कभी कभी.
तो ये जरूर बताऊंगा। और मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट, क्या बात है, वाज एन एशे बाय, ये ऐसे लिखा गया था, किसने लिखा था आपको पता है, 1856 में ये लिखा गया था। और जॉर्ज एलियट, जॉर्ज मेरेडिथ, कार्लाइल, एंथोनी ट्रलॉप, आपको बताना है हु हैज रिटन दिस एसे। एसे कब लिखी गई ये भी मैं बता दी हूँ, ये आपके उस तरीके का एक जनरल सवाल है, हालांकि नेट जैसे एग्जाम के लिए या आप आउट ऑफ यूपी को एग्जाम दे रहे हैं, देन टू दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू और मे हेल्प यू, आई कैन नॉट से डेफिनेटली इट विल हेल्प यू बट इट मे हेल्प यू नो डाउट। सो आप वहां पर देख सकते हैं सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट, क्या बात है। और इन्होंने एक क्लू दे रहा हूँ, सी हैज रिटन ओनली 7 नॉवेल्स इन ऑल, इन्होंने अपने जीवन में मात्र 7 नॉवेल लिखा है। इनका असली नाम मैरी एन इवांस है, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो अब तो कोई शक नहीं रहा। एडम बीट और मिलान द फ्लॉस, डेनियल डेरोंडा, आप समझ गए होंगे, मेडल मार्च, ये सारे नॉवेल हैं मैरी एन जॉर्ज एलियट की हैं। जॉर्ज एलियट पुरुषों का नाम, क्योंकि विक्टोरियन एज उतना परिपक्व नहीं था कि उस मतलब महिलाओं को इतना वेटेज, नाम बदलने का एक भी कारण रहा होगा, हालांकि इसकी फेमिनिस्ट स्टडी की जा सकती है। एडम बीड, इनका एक नॉवेल था जो आप, एडम बीड एक पहला नॉवेल था जिससे मुझे जहां तक याद आ रहा है, और एडम बीड नॉवेल से ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, एडम बीड नॉवेल से क्वीन विक्टोरिया इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों के नॉवेल रिकमेंड कर दिए, इस नॉवेल को जरूर पढ़ो, और देश का राजा कोई नॉवेल रिकमेंड कर दे तो सुपरहिट होने से कौन रोक पाएगा, ठीक है, समझ लो। वो रानी थी, राजा मत कहना सर, आप क्वीन विक्टोरिया को राजा क्यों कह रहे हैं, मोनार्क खुद, मोनार्क की कॉमन जेंडर है। तो जॉर्ज एलियट इज द राइट आंसर। आगे की बात करें साहब, टीएस एलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल, क्या बात है, मर्डर इन द कैथेड्रल है किसके बारे में, दरअसल 1170 में मर्डर होता है, जब वहां का राजा जो था हेनरी सेकेंड था, तो उस समय एक थॉमस बेकेट बंदा रहता है, वो शहीद हो जाता है यहीं पर। मर्डर इन कैथेड्रल की बात करें तो वो है क्या, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्च, चर्च के हेड रहते हैं थॉमस बेकेट और राजा से झगड़ा हो जाता है। हाँ अब भाई बात तो वही होगी ना, हेनरी एट से झगड़ा कर लिया पोप ने, उसको हटा करके उसने अपने आप को डिफेंडर ऑफ फेथ बना लिया, अब पोप से पूरी सत्ता छीन ली, फिर बाद में एक चमचे को बैठा दिया अपने, क्या नाम था उसका, थॉमस क्रैनमर, जिसने फर्स्ट बुक ऑफ प्रेयर लिखी 1549 में, ठीक है। तो ये 1533 के हिसाब से, अब अगर आप हेनरी एट का, हेनरी एट की 6 बीवियाँ थी, ध्यान रहे आप समझ रहे हो, वो ही क्वीन एलिजाबेथ का पापा, वो ससुथरी की लाइन मशहूर है ना, आई शैल नॉट कीप यू लॉन्ग एज आई बिलोंग टू हेनरी द एट्थ स्कूल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एज ही सेड टू हिज वाइफ, आपको पता है, वो कहते हैं मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं ठहराऊंगा क्योंकि मैं आई बिलोंग टू द स्कूल ऑफ हेनरी द एट्थ स्कूल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसी कटाक्ष के रूप में यही कहा है उन्होंने, बाकी आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। आगे की बात करें, द एपिग्राफ इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, लेट अस गो देन यू एंड आई, क्या लाइन है, जिंदगी में कुछ भी बनो प्रोफ्रॉक मत बनो, कह के निपट जाओ साला, वैलेंटाइन के समय है, आया तो सही गया तो सही, भ्रम में जीने से अच्छा प्रोफ्रॉक मत बनो, मॉडर्न मैन हैज बिकम प्रोफ्रॉक, स्प्लिट पर्सनैलिटी है। वो कहावत है निदा फाजली का शेर है ना, हर आदमी के ऊपर है 10-20 आदमी, हर आदमी में है 10-20 आदमी, जिससे भी मिलो कई बार मिलो, तो शायद मैं उसको सही वर्जन कह पाया। तो टेकन फ्रॉम लफॉर्ग बादलेयर, चार्ल्स बादलेयर, दांते इविल्स ऑफ फ्लावर नाम की किताब लिखी, दांते अभी बियट्रिस वाली कहानी आप जानते हैं, इन्फर्नो से ही लिया गया है, और यहाँ पर दांते इज द राइट आंसर। देखो सब ने दांते बता भी दिया है, अच्छी बात है, रमाकांत, राकेश, देवेश, नंदिनी, अरुणेश, मंजू, अनन्या, अर्जुन, ठीक है, नीलिमा, शशि, ठीक है, स्नेहा, सभी बता रहे हैं। आगे की बात करें हम, एलियट डिस्क्राइब्स हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर, आर्टिस्टिक फेलियर क्या होता है, वो हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर एलियट कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज हैमलेट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस द पैंग्स एंड सफरिंग दैट एक्चुअली आर रनिंग इन हिज माइंड, ही इज नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता क्या है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक माध्यम होता है, जैसे मान लो आज 10 तारीख है, 14 तारीख को आपको किसी को प्रपोज करना होगा, तो आप क्या करेंगे, एक बढ़िया सा बुके लेंगे, गुलाब गुलाब लेंगे, और आप उसको चब बढ़िया से चॉकलेट लेंगे, आप रोशे फरेरो ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, बाकी 10 रुपए वाले जिसको जिसको हाँ करना होगा 5 रुपए वाले चॉकलेट में भी कर देगा, नहीं करना होगा झगड़ा मत करना भाई, हाँ तो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं वाला लफड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो
फ्यूडल मेंटालिटी की बात, ये तो माय लास्ट डच पड़ी ना, वो तो ड्यूक ऑफ फरारा की बात हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यस देन ओके, नो देन डबली ओके, क्योंकि आई विल मेक माय लाइफ। दुनिया में ज्यादा सफल लोग वही हुए हैं जो टूटे हुए हैं, जिनको लोगों ने धुतकारा था। ठीक है, तो वो अलग बात है, फिल्मी कहानी से थोड़ा निकलो, ट्वेल्थ फेल जैसी फिल्मों को अवॉइड करो, क्योंकि वो व्यक्तिगत जिंदगी में होता नहीं है, और होता भी होगा तो 1 बिलियन केसेस में होता, उसमें इतना वो फिल्म ये कहती है कि भारत का हर बच्चा आईएएस की तैयारी करे, तो कहने का मतलब उसके अंदर एक मोटिव बना दिया गया कि सारी चीज़ छोड़ करके बिजनेस उनका चलने लगेगा जो आईएएस वालों को पढ़ा रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी आप समझ जाओगे यार ये बिजनेस पर्पज से लिखी गई है फिल्म। अब फिल्मों में जो दिखाया गया प्रैक्टिकली उसमें संभव नहीं रहता व्यक्तिगत जीवन, बाकी हो जाए मीडिया के सामने तो आदमी सही सही ही बोलेगा ना। और मीडिया भी स्क्यूलर टाइप की हो गई। अब कहोगे सर स्क्यूलर क्या होता है, अब स्क्यूलर पढ़ना हो तो स्क्यूलर को समझना है तो आपको एनिमल फार्म पढ़ना होगा, एनिमल फार्म में जो काम स्क्यूलर का रहता है वही मीडिया का होता है, समझ रहे कि नहीं। स्क्यूलर प्रोपागेंडिस्ट किसका है, स्टालिन का, उसमें है ना नेपोलियन का, नेपोलियन कैरेक्टर है ना उसमें नोबल में, वही वाला बता रहा हूँ। इट इज टू लेंथी, इट इज सेंटिमेंटल, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को मैंने डिटेल में पढ़ाया है और इस शब्द को क्वाइनस दिया है। आगे की बात करें तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इंडिकेशन ऑफ द राइट्स, अब इंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, हालांकि यहीं तक है, ये 1813 में एक लिखा गया था, अब नाम से दैट डील्स विद द वेजिटेरियनिज्म एंड एनिमल राइट्स इज रिटन बाय, और एक पढ़ रहे थे तो हालांकि जॉर्ज बर्नार्ड साहब भी वेजिटेरियन रहे, काफ़ी लोग वेजिटेरियन रहते हैं, मुझे लगता है कि वेजिटेरियनिज्म कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंट बना सकती है अगर आप सही में फॉलो करते हैं तो, लेकिन हो नहीं पाता कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आप करेंगे ही, लेकिन एक उम्र के बाद तो आपको वेजिटेरियन होना ही चाहिए, नहीं बनना है कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई नहीं कह रहा हूँ कि जो खाते हैं गंदे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे वो खाना चाहिए। हाँ, यहाँ आदमी ऑक्टोपस मगरमच्छ तो खा ही जा रहा है यार, मैं सोच रहा हूँ कि आदमी आदमी को ना खाए बस। ठीक है, तो वर्ड्स वर्थ जॉन किट्स पीवी सेली की लाइन है, सेली की स्पेलिंग गलत है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने सही क्यों नहीं किया, भाई सही आप भी कर सकते हैं, हम दोनों सब मिल के भी कर सकते हैं। देवा खान पूछ रही है सर बीपीएससी टीजीटी के लिए तैयारी करिए, तो ये आप पहले जो 300-400 मेरे वीडियोज हैं उसको तो देख लीजिए, शेक्सपियर बीपीएससी में कहीं अलग से तो नहीं आएगा ना बेटा, तो आप परेशान मत होइए, वहाँ नोटिफिकेशन आउट दीजिए, जो हो पाएगा जरूर दूंगा, बाकी चीज़ें जो हैं आप उसका एक प्रक्रिया होता है, फिलहाल अभी तो इसको पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन, लेट द नोटिफिकेशन गेट आउट, तो हम देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो ये सारे तो हर जगह काम आएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि ये केवल यूपी में आएगा, बिहार में आएगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगा, एग्जाम कहीं होगा, आउट ऑफ इंडिया भी होगा तब भी इस तरीके से अगर MCQ बेस्ड है तब तो हेल्प करेगा ही ना। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। आगे की बात करें, पॉइंट आउट द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन कौन सा है, अजीब्स कौन है, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, द क्राफ्ट ऑफ फिक्शन, रेटरिक ऑफ फिक्शन और द वेल रॉट अर्न, आपको पता है सब कहीं ना कहीं फिक्शन के क्राफ्ट पे बताती हैं, तो सब में नॉवेल है, और ये कहीं ना कहीं ये वेल रॉट अर्न जो है ये क्रिटिसिज्म पे बुक ऑफ स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री, ये जो है इसका सब टाइटल है, ये क्लिंथ ब्रुक्स का है, और ये जो है क्लिंथ ब्रुक्स का, ये रिपीटेड सवाल भी है और ब्रुक्स का है, ये न्यू क्रिटिसिज्म, ये न्यू क्रिटिक है, न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ है, तो आप नेट वाले ये भी ध्यान देंगे। न्यू क्रिटिसिज्म करता क्या है, ये कहता है कि कोई किताब है अगर उसके अर्थ को समझना है तो उसके उसके ऑथर ने क्या लिखा है, वो किस परिवेश में लिखी गई है, उसकी ऐसी की तैसी, उससे कोई मतलब नहीं है, वर्ड्स ऑन पेजेज आर मोर इम्पोर्टेंट देन हु हैज रिटन ऑल दोज वर्ड्स, जो जो पेज पे लिखा है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब ऑटोटेलिक राइटिंग, ऑटोनोमस राइटिंग की बात करते हैं, तो आप समझ गए होगी कहानी टीसीलेट ने भी आपको पता है बाद में यही कहा सब। आगे की बात करें, हु इज कॉल्ड द फ्रेंच फ्राइड, फ्रेंच फ्राइड किसे कहा जाता है, साइको एनालिसिस साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में अगर आप फ्राइड सिगमंड फ्राइड का नाम जानते हैं तो ठीक है, अपने बड़ा कंट्रोवर्शियल राइटर रही, आई ए रिचर्ड्स अर्नेस्ट जोन्स हैमलेट एंड हिज ईडिपस एंड हैमलेट इन्होंने लिखी है, अर्नेस्ट जोन्स जो फ्राइड के मतलब अंतरंग रहे, जैक्स लकान जो थे, ये बड़ा नाम है, अच्छा नॉर्मन हॉलैंड भी एक अच्छे लिटरेरी क्रिटिक हैं जिनकी एक किताब है द ब्रेन इन द बुक,
ये रीडर रिस्पांस थ्योरी से जुड़े हैं, ध्यान रहे, ये नेट वाले ध्यान देंगे, रीडर रिस्पांस थ्योरी से जुड़े रहे, ठीक है। ये अपने आप में इनका एक लिटरेचर एंड द ब्रेन इन द बुक जो था, एक काफ़ी मशहूर किताब रही इनकी, द ब्रेन इन द बुक, और लिटरेचर इन द ब्रेन पहले था, वो बाद में द ब्रेन इन द बुक, इस प्रकार की एक किताब है इनकी जो मशहूर थी। लेकिन आपका आंसर जैक्स लकान का है, तो आप यहाँ पर जैक्स लकान पे जाएंगे, ठीक है। आगे की बात करें, द ग्रेटर मैन रेफर टू एट द बिगनिंग ऑफ द पैराडाइज लास्ट ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हूज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ एंड ऑल ओवर विद द लॉस ऑफ ईडन टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर द ब्लिसफुल सीड सिंग हेवनली न्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ होरेब अरब सिनाई। तो इस तरीके का जो लाइन है, द ग्रेटर मैन रिफर टू एट द बिगनिंग ऑफ द पैराडाइज, तो टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर्ड द ब्लिसफुल सीट, तो कौन है ग्रेटर मैन? वो ग्रेटर मैन एडम नहीं है, वो कौन है? सन ऑफ गॉड है। तो ठीक है, वो ग्रेटर मैन कौन है साहब, आप देख लिए यहाँ पर। और आगे की बात करें हम, द फर्स्ट मास्टर पीस ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश वॉज, पहला मास्टर पीस कौन सा है मॉडर्निज्म का अंग्रेजी में? वैसे तो आप कई नाम ले सकते हैं, द वेस्टलैंड, यूलिसीज, फिनिगन्स वेक, द लव सॉन्ग ऑफ जो एल्फ्रेड पॉफ्रॉक, ये 1915 में पोएम थी, लेकिन यहाँ पर आप बच नहीं सकते इससे भी। तो यहाँ पर क्या है, देखो सब लोग बता रहे हैं डी है, अब डी तो है, तो ग्रेटर मैन क्राइस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। सुरेंद्र गंगवार, मिथिलेश, अनुराग, स्नेहा सब ने दिया है, पारो, हाँ, और लहर। यहाँ पर क्या है, ये तो वेस्टलैंड है, आप इसी को क्लासिक मानेंगे, 1922 में आई थी। वैसे वेस्टलैंड इज नॉट अबाउट ओनली अ सिंगल थिंग, इट स्पीक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, हाँ, वो लव सेक्स सब के बारे में बात करता है, लव सेक्स एंड करप्शन हर चीज़ के बारे में है, तो मॉडर्न क्लासिक आप इसको कह सकते हैं। और द डेथ ऑफ लिटिल नेल इन डिकेंस नॉवल, किस नॉवल में? डिकेंस के लिटिल नेल में, सॉरी, लिटिल नेल नाम की करेक्टर आती है, इसकी डेथ इतनी हृदय विदारक थी कि बड़े बड़े लोग एकदम परेशान हो गए इसके अंत को। इन डिस्कशन ऑफ विक्टोरियन सेंटिमेंटेलिटी, डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकलबी, क्रिसमस कैरोल, ओल क्यूरियोसिटी शॉप, अगर ये बात करें तो ये पर करेक्टर कहाँ पर आता है, तो ये डेविड कॉपरफील्ड मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है, ये लिटिल नेल जो होता है ओल क्यूरियस सिटी शॉप में आता है, एक क्विल्प नाम का बदमाश रहता है, बावना रहता है, उसे सीड्यूस करना चाहता है, सोचते हैं कि इसे शादी कर लेंगे, उसके दादा को कर्ज दे देता है। तो ये पूरी कहानी है, पूरी समरी मैंने डिटेल में पढ़ाई है, हालांकि समरी डिटेल में कहना अपने आप में पैराडॉक्सिकल है, लेकिन मैंने पढ़ाई है और इतना जरूर पढ़ा है कि एग्जाम में क्या आ सकता है। फादिया इज सेइंग डी, वेरी गुड फादिया, आई स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, आई एम वेरी ब्राउन इन कलर, बॉर्न इन मलाबार, आई स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, राइट इन टू एंड ड्रीम इन वन, एन इंट्रोडक्शन की लाइन है ये, तो आजकल हाई स्कूल में भी आ गया है, हाँ, इंटर में आ गया शायद, हाँ, तो इंट्रोडक्शन पोएम क्या बात है। और राजा राव, आर के नारायण, कमला दास, मीना अलेक्जेंडर, मीना अलेक्जेंडर की बात करें तो ये इलाहाबाद में पली बड़ी, बेसिकली ये अमेरिकन प्रोफेसर रही, काफ़ी किताबें योगदान है, फिलहाल नेट के लिए आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कमला दास को ही आप काम चला लेंगे और तो कोई बात नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है। आगे की बात करें हम, क्या है, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन अ प्रोलॉग टू वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले अ किंगडम फॉर अ स्टेज, ये जो लाइन है, अ किंगडम फॉर अ स्टेज, प्रिंसेस टू एक्ट एंड मोनार्क्स टू बिहोल्ड द स्वेलिंग सीन्स, दीज आर द लाइन्स फ्रॉम जूलियस सीजर, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड हेनरी फिफ्थ, एंड वी हैव ऑप्शन हेनरी फिफ्थ, इसको नेशनल एंथम इन फाइव एक्ट नाम से भी जानते हैं, नेशनल एंथम इन फाइव एक्ट्स भी आप कह सकते हैं, ये भी आप इसको कहेंगे, थैंक यू। अच्छा अभी और है, मैं आज तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, ये डिफेंस ऑफ पोइट्री की बात करें तो ये पी वी शेली ने लिखा था, कहाँ पर, कॉलरेज और नॉल्ड एलियट ने नहीं लिखा था, 1821 में पी वी शेली ने लिखा था डिफेंस ऑफ पोइट्री, हालांकि ये पोस्टमोस्टली पब्लिश हुआ था 1840 में, 1840 में, इट गॉट पब्लिश्ड ओनली इन 1840 आफ्टर हिज डेथ पोस्टमोस्टली, व्हाट यू से इन हिंदी, मरणोपरांत। तो ये जो है आपके पास ऑप्शन है, ठीक है था। आगे की बात करें हम, क्या हमारे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक नॉवेल है, आपको पता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल है,
इसके राइटर हैं विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग की मजेदार बात कर दूं, विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज़ मिला है, और नोबेल प्राइज़ मिला है इनको, नोबेल प्राइज़ किसी एक रचना को नहीं मिलता, नोबेल प्राइज़ इनको मिला है 1983 में, और इनको बुकर प्राइज़ भी मिला है। मज़ेदार बात ये है, और क्योंकि एल्टीग्रेड में ये हैं तो आपको ध्यान रखना है, इनको बुकर प्राइज़ मिला है, बेसिकली टीचर्स कम नॉवलिस्ट थे, बुकर प्राइज़ मिला है इनको 1980 में मिला है, राइट्स ऑफ द पैसेज के लिए मिला है, क्योंकि 1981 में फिर आप सलमान रुश्दी को याद रख लेंगे। तो ये जो है, जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है, ये कहीं ना कहीं बिब्लिकल रेफरेंसेज है, मिल्टन का, आप सैटर्न का जो वो है सेकेंड इन कमांड बेलज़ेबूब का, उसका आप कह सकते हैं रेफरेंस है, यहाँ अल्यूजन है। तो कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, एक टफ सवाल है आपके लिए, क्योंकि आपने उस लेवल की चीज़ें पढ़ी नहीं। मैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक्चुअली आपके एग्जाम में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, जो आपको एल्टी ग्रेड कराएगा या लेक्चरशिप कराएगा या डायट कराएगा, उसमें सवाल आएगा और आ सकता है। अगर इस तरीके से सवाल आ गया तो फिर समझ लो फिर यू विल फाइट साई ऑफ, नानी और नाना दोनों ही याद आएंगे, तो आप नहीं याद आने चाहिए। अब आपने यहाँ पर कह दिया है तो देखो 21 बताया है जिन लोगों ने, उनको ढेर सारा, हालांकि है तुक्का ही लेकिन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब विच कैरेक्टर इज एस्मेटिक इन नॉवेल, इन द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में कौन सा कैरेक्टर एस्मा से डूब रहा है? प्रोनंसिएशन एस्मा होता है, एजमा नहीं होता, अस्थमेटिक नहीं होता, एस्मेटिक होता है, टी एच साइलेंट रहता है, ये पहली बार बता रहा हूँ, ये टी एच इसमें साइलेंट है, बाकी आप वायलेंट मत होइए, मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, आप उसको क्रॉस चेकिंग जरूर करिए, ठीक है, लेकिन क्रॉस चेकिंग करिएगा तो किसी अच्छी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर या मैकमिलन या बैबस्टर से करिएगा या कॉलिन से करिएगा, लेकिन टॉम डिक एंड हैरी किताब से मत करिएगा। एस्मा अस्थमा नहीं होता। अब ये कहोगे सर ये बोल देंगे तो सही, माई डॉटर टूडे सेड सी सेड आई एम च्यूइंग समथिंग, मैंने कहा ये ची नहीं होता, ये चू होता है, कहा ऐसा तो है नहीं, हमने कहा गूगल के मतलब, मैंने कहा डिक्शन उठाओ कहीं, लेकिन सब तो ऐसे बोलते हैं, हमने कहा सब बोलते हैं, आप भी वही बोलो, मैं नहीं बोला, लेकिन जो सही कर रहा हूँ तो करेक्ट हो जाओ। फिर उसके बाद स्टैम्पिंग हर फेट, पता नहीं कहाँ कहाँ से पड़े रहते हैं, इस तरीके से बात करते। तो देखो प्रोनंसिएशन सही करना भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, अगर आप कर पाते हैं तो, बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पर ये करेक्टर है रैल्फ साइमन पिगी और रोजर। ये पिगी जो है, ये पिगी के बारे में बता दूं, पिगी को अस्थमा से जूझता रहता है, पिगी जो है चश्मा भी लगाए रहता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इतनी चीज़ें हैं, आपको मज़ेदार बात बताएं, और हु कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये एक चार्ल्स लैम ने कहा है, ड्राइडन ने कहा है, अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, एडिसन ने कहा है, और यहाँ पर आपको अब नाम याद आ गया होगा एशियन मैन, और ये एशियन मैन लिखा किसने है, उसी के एपिसल फोर में, एपिसल मैन लेटर है, एपिसल फोर में इस बात के, जब वो फ्रांसिस बेकन को जिक्र करते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं, कौन, अलेक्जेंडर पोप ने ये बात कही है, ठीक है। तो गॉट इट, आई होप ऑल इज वेल। कुसुम, फादिया, रश्मि, शीनू, पूजा, महेंद्र, ये सबका सवाल सही है, और ऐसे सवाल आपके लास्ट एग्जाम में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं आएगा, मतलब जब कॉमन क्वेश्चन हो तो आपको अनकॉमन होने की जरूरत नहीं है, कॉमन क्वेश्चन हो तो आप गलत होने ही चाहिए, आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, अगर गलत हो गए तब आप अनकॉमन हो गए, जब आप अनकॉमन हो गए तो सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। कॉमन सवाल की जो ऐसा कोई सवाल जो सब कर पाए आपका गलत हो गया तो गिल्ट तो फील होगे ना, गिल्ट सारो पता नहीं क्या क्या फील होगा, तो ऐसी गलती मत करना इस सवाल को इस तरीके से। ईजीएस्ट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट। इन एरोपेजिटिका सेंसरशिप इज कंपेयर टू, एरोपेजिटिका में, एरोपेजिटिका हालांकि प्रोज वर्क में आता है, 1644 है, एक प्रकार का ट्रैक्ट है जिसपे प्रेस के फ्रीडम पे बात की गई है, ये भी आपको पता है। अब वो अ पाइथन, अ जेनस फेस स्नेक, जेनस फेस में दो मुहा वाला, अ डबल एज शोड, अम्ब्रोशिया, अम्ब्रोशिया का मतलब मैं बता दूं, अम्ब्रोशिया जो है ना, अम्ब्रोशिया का मतलब होता है गॉड्स फूड, ईश्वर जो खाना खाते हैं, वो क्या खाते हैं आप ही जानिए, मन्ना डेव जिसको बोलते हैं, मन्ना डेव अपने पढ़ेगा नहीं,
मन्ना डेव। हाँ, जब मैं इंटर में था तो एक पोएम पढ़ रहा था, ला वेल डैम सा मर्सी, जिसको ला बेली डैम सेंस मर्सी आप लोग पढ़ते हैं, मैं भी वही पढ़ा करता था क्योंकि मुझे भी वही पढ़ाया गया था, मन्ना डे। तो मन्ना डे वहाँ पर पहली बार मैंने सुना, और बाकी तो आप जानते हैं, आई फील लाइक हैविंग सम स्नीज और दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कमिंग ऑफ द स्क्रीन इफ आई कुड होल्ड। तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए एरोपेजिटी का, अब वो असेंबली है एथेंस में जहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स, एरोपेजिटी का एरोपेगस नाम से लिया गया है, सेंसरशिप इज कम्पेयर टू, उस डबल दुधारी तलवार से उसकी सेंसरशिप की बात कही गई है, इससे कंपेयर किया गया है। और यहाँ पर क्या है, आपका आंसर जो है डबल एज सोड इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अम्ब्रोसिया एक प्रकार का गॉड्स फूड है मन्नाडेव, आप कहते हैं। हाँ, अब मैंने तो देखा नहीं कि गॉड्स कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। मुझे लगता है कि गॉडहुड प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्ञान को प्राप्त कर लेना। आप महात्मा बुद्ध को भी विष्णु भगवान का नवा अवतार मानने लगे, मानते हैं, तो उन्होंने, वो तो अपने आप को अवतारी कभी माने ही नहीं, तो उन्होंने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपने आप को जान लिया। नो देन दाई सेल्फ प्रज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा, आने वाले हर वक्त बोलूंगा, नो देन दाई सेल्फ, खुद की तलाश करो, खुदा की तलाश मत करो। ठीक है, आगे की बात करते हैं, तो डबल एस्ट की बात करेंगे यहां पर। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट मिथोलॉजिकल फिगर इज मेंशन्ड बाय मिल्टन इन एरोपेजिटिका हु इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ट्रूथ और फाइंडिंग ट्रूथ। एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर की बात हुई है जिसको आप क्रिएचर पढ़ते हो, इनफैक्ट दैट इज क्रिएचर नॉट क्रिएचर। हाँ, अब बिपाशा बसु की मूवी मत देखने लगना, क्रिएचर देखना है, सर ने बोल दिया। तो व्हाट मिथोलॉजिकल फिगर इज मेंशन्ड बाय मिल्टन इन एरोपेजिटिका हु इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ट्रूथ। हालांकि ये फिनिक्स, फिनिक्स का मतलब एक ऐसी पक्षी होती है जो अपने जल ने, मतलब जब उसकी मौत आती है तो जल के उसी राख से फिर एक दूसरा, मतलब अमृतत्व का प्रतीक है, इमोर्टलिटी का सिंबल है, सिला एंड कैरेबिस, ये फ्रेज है बिटवीन सिला एंड कैरेबिस, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, किधर जाऊं मेरे भाई। सिला एक फीमेल सी मॉन्स्टर्स है, और जो छह हेड वाली है, सिक्स हेडेड सी मॉन्स्टर्स है। कैरेबिस भी एक वर्लपूल टाइप का एक समुद्री राक्षस है। स्फिंक्स एक लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन एंड विंग्स ऑफ एन ईगल, एक बाज के पंख हैं इसके, लायन की बॉडी है, जैसे गीजा के पिरामिड वगैरह आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें जिक्र किया गया है, किसका जिक्र किया गया है, ये सवाल मुझे लग रहा है कि आपको नया भी है और भी, और आपको आंसर भी मिलना चाहिए और ज़रूर मिलेगा, और मैं बताऊँगा। और चूँकि मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें आपको नहीं तो ज़रूर मिलेंगी, अब इसका उसको भी नहीं पता जो आपका, जो आपसे पैसा लेके देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप उनसे कल सवाल पूछोगे, कल क्लास में सवाल पूछोगे, इसका आंसर वो बता देंगे, जानते हो क्यों, क्योंकि आज वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। स्फिंक्स, स्फिंक्स क्या होता है, स्फिंक्स अ शेप ऑफ लायंस बॉडी रहती है, लायंस बॉडी विद अ मैन्स हेड, and eagles wing, ठीक है, eagles के wing रहते हैं उसमें। तो अब जाके उसको you can google, you will find। तो सिला, इसको सिला पढ़ते हैं, साइला नहीं पढ़ते हैं, इसको कैरिबडिस पढ़ते हैं, कैरिबडिस पढ़िए, करीब ना करके कैरिबडिस पढ़िए। ये दोनों एक प्रकार के सी मॉन्स्टर्स हैं, जिसे ऐसे सिचुएशन के लिए कहा जाता है, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, नो एस्केप। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आगे की बात करें, द स्पेक्टेटर यूज टू गेट पब्लिश, तो स्पेक्टेटर क्लब जो था, स्पेक्टेटर कब पब्लिश होता था आपको पता है, वीकली थ्राइस अ डे, और थ्राइस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, और यहाँ पर डेली, ये आप मैगजीन था आप इसको कह सकते हैं। आगे की बात करें, इसका सही था केवल तुक्के से सही था, समझ रहे हैं।
हाँ स्क्रोल मत करवाइए मैडम, आपका सही था क्योंकि आपके तुक्के सही लग गए। तुक्के और ज्ञान का कोई संबंध नहीं, पहली बात ये समझ लो, तुक्का और ज्ञान में कोई संबंध नहीं, क्योंकि चारों का मतलब ही आपको नहीं पता था, तो चार में तो एक ऑप्शन था ही ना। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुक्के ऐसे ही लगते, अगर यही एक तुक्का लगा होता ना तो मेरे कम से एक तुक्का लगना था, बहुत सारे लोग जान रहे हो कहाँ होते, तो तुक्का लग जाता है किसी की, किसी का दिन सही रहता है किसी का दिन खराब रहता है, तो ज़्यादा उसमें घबराने की या ज़्यादा स्वैग में आने की ज़रूरत दोनों नहीं है, क्योंकि तुक्का तुक्का होता है भाई। हाँ तुक्का, अच्छा भारत में इतने बेवकूफ टीचर हैं कि तुक्का लगाने की साइंटिफिक टेक्निक भी बताते हैं, अब उनका क्या ही कहा जाए, ठीक है। आगे की बात करते हैं, हु बिकम्स ब्लाइंड इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो। वेटिंग फॉर गॉडो जो है ये 1953 का प्ले है, थॉमस बेकेट का है, सैमुअल बेकेट का है, मैं थॉमस बेकेट अभी पढ़ा है ना उसके नाम है, ठीक है, नहीं तो आप कहना सर क्या बात कर रहे हैं। ये थॉमस बेकेट सैमुअल बेकेट का प्ले है जिसमें व्लादिमीर और एस्ट्रगन, व्लादिमीर दीदी नाम से जाना जाता है, एस्ट्रगन गोगो नाम से जाना जाता है, नेट वाले भी ध्यान देंगे, ये आप एक प्रकार का कह सकते हैं अपसर्ड इस प्ले में बड़ा नाम है, और वेटिंग फॉर गॉडो इसी से मुझे लगता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैं बता दूं पीजीटी के लिए सवाल भी, ये तो जनरल सवाल हो गया, पीजीटी के लिए भी सवाल बता दूं, वेटिंग फॉर द महात्मा जो है, अब आपको याद हो गया वेटिंग फॉर द महात्मा, ये जो नॉवेल है ना मुझे लगता है ये 1955 में आई थी, तो कहीं ना कहीं इसका आर के नारायण का है, आर के नारायण का ये जो नॉवेल है कहीं ना कहीं इसी थीम से या इसी टाइटल से प्रभावित हुई रही होगी, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं क्योंकि जब मैं बेटिंग फॉर गुडू पढ़ता हूँ तो मेरे माइंड में वो जरूर आ जाता था कि आर के नारायण ने भी बेटिंग फॉर महात्मा लिखा, तो दोनों के पब्लिकेशन डेट में मतलब आसपास 2 साल का गैप है, तो आप कह सकते हैं समकालीन थे, तो यहाँ पर जो है कौन अंधा होता है, पोजो, आप कह सकते हैं पोजो बिकम ब्लाइंड, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु सेड ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इट सेल्फ, वो जो किसी अच्छी किताब को डिस्ट्रॉय करता है वो तर्क को भी कत्ल कर देता है, बेकन, इलियट, मिल्टन, अर्नोल्ड। तो ठीक है साहब, दरअसल आज मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन चूंकि मैं क्लास हटाना ही भूल गया था, लाइक बनी रह गई, फिर मैंने सोचा अब कुछ बच्चे आएंगे कुछ जाएंगे, इसलिए मैंने क्लास ले लिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोचो मैं कितना प्यार करता हूँ आपने, आप जितनी अपनी जिसकी वैलेंटाइन है, जिसके होने वाली है, सब जाके कह दो, अगर तुम सही प्यार करते हो तो इस वीडियो को सर वाले सर की वीडियो को प्रमोट करो, 10 लोगों तक पहुंचाओ, तब मैं जान लूंगा कि यूट्यूब, तब मैं तुम्हारे 2 रोजेज और ला के दूंगा, 2 मोर रोजेज, 50 रुपये का सवाल है, 2 रोजेज मिल जाएंगे अच्छे से, दे देना मेरी तरफ से भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका रीच पहुंचाओ ना, तभी तो मैं अच्छा दे पाऊंगा, आपको नया तो मिलता है ना, इस बात को स्वीकार करते हो ना, इस बात को तो वो भी स्वीकार करेगा ना, जिस टीचर से कल आप सवाल पूछोगे तो, क्योंकि ये वीडियो वो भी देख रहा होता है, बस सब्सक्राइब नहीं किया रहता, समझ रहे हो, तभी वो बता पाएगा, नहीं तो जिस दिन जो वीडियो नहीं देख रहेगा वहाँ सवाल पूछ लोगे ना, ही विल स्टार्ट टीचिंग हिज हेड एंड सरप्राइज से, तो समझ रहे कि नहीं, तो यार कुछ तो करो ना यार, वैलेंटाइन का मौसम है, किसी के लिए 50 रुपये गुलाब खरीद रहे हो, जिसके लिए खरीद रहे हो उससे कहो कि 10 लोगों को इसको सब्सक्राइब करो, तो थोड़ा रीच पहुंचे ना मेरी यार। तो आगे की बात करते हैं सर, तो आगे की बात करें, ठीक है सुरेंद्र, योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, डोंट वरी, लेकिन पहले इसको और लोगों तक पहुंचाओ। तो ये जो मिल्टन ने कहाँ लिखी है एरोपेजिटिका में बात करी, एरोपेजिटिका आपको पहले ही बता दी गई एक ट्रैक्ट है, तो ये मिल्टन ने कही है, ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ, दीज वर सम 30 questions, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉय द सेशन, बिफोर यू प्रपोज टू समवन, प्रपोज दिस, मतलब गिव अ कंडीशन, एक उसमें प्रोवाइजो रख दो, कहोगे प्रोवाइजो क्या होता है, चलो ठीक है ऐसे रख दो कि भाई इतना इतना काम करो तब तो ठीक रहेगा, चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।